हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो गाइज, आज ना दो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ हैं। सबसे पहले तो ये है कि मैंने ना कल रात को यूट्यूब से बात की, यूट्यूब एम्प्लॉय से। रात को 2 बजे तक अराउंड 1 घंटा बात किया मैंने अपने गोल्डन प्ले बटन के बारे में इस चैनल के, जो कि मुझे अभी तक नहीं मिला। चैनल पे स्ट्राइक थी ना, तो उन्होंने कहा कि स्ट्राइक है और बहुत कुछ रीज़न दे रहे थे वो, बट स्टिल मैंने क्वेश्चन किए उन्होंने कि तो मैं क्या करूँ, मेरा गोल्डन प्ले बटन मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। तो उनको रिक्वेस्ट किया, अच्छे से बात किया, तो उन्होंने कहा कि हम चेक करेंगे और फिर ऊपर बात करेंगे और आपको मेल कर देंगे। तो अभी अभी जस्ट मेल आया है रिडम कोड का, तो फाइनली हमारा गोल्डन प्ले बटन आने वाला है गाइस। ये न्यूज़ सिर्फ अभी मेरे को ही पता है, फैमिली में किसी को नहीं पता, बिकॉज अभी घर में कोई नहीं है, सभी गए हुए हैं पड़ोस में, पीयूष भी गया, मतलब ओनली अकेला मैं ही हूँ। तो अभी वो आएंगे तो सबको गुड न्यूज दूंगा। और एक और गुड न्यूज ये है कि हमारे आर्ट वाले चैनल पे आज 1 मिलियन हो जाएंगे सब्सक्राइबर, 7,000 बाकी हैं, तो आज हो ही जाएंगे। अब तो सीधा दो दो गोल्डन प्ले बटन आएंगे जो कि यहाँ पे लग जाएंगे सिल्वर के बगल में। जो हमारे इस चैनल का गोल्डन प्ले बटन है ना, उसमें मैंने सौरव जोशी व्लॉग्स नहीं लिखवाया है, उसमें मैंने कुछ और ही लिखवाया है। जब आएगा अब तब आपको दिखाऊंगा। सौरव जोशी आर्ट्स वाला है, उस पर तो सौरव जोशी आर्ट्स ही लिखेगा, बट व्लॉग वाले मैंने सौरव जोशी व्लॉग्स नहीं लिखवाया है। तो बस यही दो बातें हैं जो कि आपके साथ शेयर करनी थी, और आपको थैंक यू सो मच कहना था कि मतलब हमारे दो चैनल पे 2 मिलियन सब्सक्राइबर। तो ये बात सुन के फैमिली भी काफी ज्यादा हैप्पी फील होगी, बिकॉज हमने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी कि हमें गोल्डन प्ले बटन मिलेगा। 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं। अच्छा, वो कल रात को मैंने मेल कर दिया यूट्यूब को, नहीं करता तो सोल्यूशन हो ही नहीं पाता और हम ऐसे कैसे बैठे रहते बिना गोल्डन प्ले बटन के। ओलू से बात करते हैं। ओलू, हमारा गोल्डन प्ले बटन आएगा, अबे सुन ले भाई, इसका तो अलग ही है। लड़की सुनो, गोल्डन प्ले बटन आएगा, एक्साइटेड नहीं हो क्या भाई? आंख तो खोल ले, घोर भेजती है। चलो इसको सोना ही देते हैं। देखियो बाइक में है, बाइक में ही है। फाइनली मैं इतनी देर से बाइक की चाबी ढूंढ रहा हूँ और बाइक में ही निकली। हुआ मास्क, हमेशा वापस जाना पड़ता है इसको मास्क के चक्कर में। फर्नीचर वाले अंकल जी को बोल देता हूँ कि भिजवा देना। हाँ यही है, ले। इनको पता ही नहीं हमने कौन सी पसंद की है, पेमेंट वगैरह करके आए हैं। वाह, दिल्ली से कुरियर आ रहे हैं, ज्यादा हैं। तू ले जा, लेगा इसको उस पे कूली नंबर 1 ले जा तो लेगा ना पक्का? चल फिर। अरे ऐसे कहाँ जा रहा है, बाइक पे चलना है। अरे क्या कर रहा है ये हरकतें? उसके पैर पे कुछ चिपक चिपके रहने देख। अपन आए तो फर्नीचर वाले के पास थे, यहाँ पे मैं कुछ पूछने आया था क्योंकि मेरा अभी रुक जा, तो पहले बैठ जा, ये मैं तेरे को दे दूंगा, तू बैठ जा ना, हरकतें मत कर, बैठ, ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं करने का, ले भाई गिरा मत दियो एक भी प्रोडक्ट, पकड़ लिया, बीच में रख ले, मैं टंकी पे कैसे बैठूंगा यार, तू थोड़ा पीछे बैठ जा, पक्का बात है गिरेगा तो नहीं ना भाई, तू खुद गिर जाएगा लेकिन मेरे प्रोडक्ट नहीं गिरने चाहिए। यहाँ से पकड़ ले, यहाँ से निकल जाएंगे, इसको पकड़ ले। तो अंकल जी कह रहे थे कि काफ़ी लोग इस एड्रेस पे पहुँच जाते हैं, तो कहे जी मेरे घर का एड्रेस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मेरे कुरियर आते हैं और मैं यहाँ पे 10-15 दिन में सिर्फ एक ही बार आता हूँ लेने के लिए। मेरे को लेफ्ट में थोड़ा स्पेस रख के चलना पड़ेगा, बिकॉज लेफ्ट में जो कट्टा है वो निकला हुआ है, तो ध्यान से कस के पकड़ रखियो। भाई खतरनाक ही लग रहा है ना, पता नहीं क्या ही लेके आ रहे होंगे। साडा आगे हैं ओली, साडा आगे हैं ओली, आजी ओली आजी, गेट बंद कर गया, गेट बंद कर गया, गेट बंद कर गया, साडा आगे हैं ओलू। मैं नहीं आ रहा, मैं तो वापस नहीं जा रहा हूँ, नहीं नहीं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, साडा आगे हैं ओली, नहीं मैं वापस जा रहा हूँ, 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 नहीं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, चलो चलो चलो, साडा आगे हैं ओलू। लो मम्मी जी कुछ कुरियर से, तो चलो गाइज अनबॉक्स करते हैं इन सभी पार्सल्स को। सबसे पहले तो एक छोटा सा लेटर है फ्रॉम भारत, फ्रॉम आर्यन सैनी, मेरा पोर्ट्रेट है फ्रॉम जसप्रीत, प्यारा सा लेटर है फ्रॉम शिवम, इसके ऊपर लिखा हुआ सौरव जोशी व्लॉग्स, एंड एक लेटर भी है, थैंक यू सो मच। फ्रॉम दीपांशु, फ्रॉम शालिनी, फ्रॉम आर्यन दास, गोल्डन प्ले बटन। वाह, हमारा गोल्डन प्ले बटन नहीं आया, बट वाह किसी ने बना के भेजा, हमारा गोल्डन प्ले बटन आ गया। ओह वाओ, ये टूट गया यार। ओ भाई साहब, मुझे लगा अखबार है। तो गाइस देखो यहाँ पे ना ये ग्लास टूट गया है, अदरवाइज बहुत प्यारा लग रहा है यार ये। थैंक यू सो मच।
हमारा गोल्डन प्ले बटन आ गया फाइनली। वो ना कुरियर में होगा, नहीं तो प्लेन होगा ये बिल्कुल, और ये टूटा भी नहीं होगा, कुरियर की वजह से टूटा ये, और ये जो मोड़ा हुआ है ना ये कुरियर की वजह से, नहीं तो अदरवाइज तो बिल्कुल अच्छे से बनाया होगा उन्होंने। काफी बढ़िया पोर्ट्रेट है देखो, कलर्ड पोर्ट्रेट फ्रॉम शुभम, और एक लेटर भी है। मेरे को तो ये कुनाली लग रहा है, कुनाली है, कुनाली है। पीयूष आ गया, ये मेरे हस्बैंड, ये यश ने बनाया, यश ने, बड़े पापा है, बड़े पापा होंगे, बड़ी मम्मी, बड़ी मम्मी, बड़ी मम्मी, बड़ी मम्मी, बड़ी मम्मी अपना ही वेट कर रही थी। सौदा सौदा आगे है, अम्मा अम्मा का भी आया, इनको संभाल के रखना अम्मी जी, सीधा सीधा फ्लिपकार्ट से डिलीवर हुआ है, कोई थैली में डाल रखा है। अच्छा ये घूमता रहेगा, आप देखो, ये देखो रुक नहीं रहा, ये घूम रहा है, हमारी कार आएगी उसमें रखेंगे इसको। दिस इज फ्रॉम समीर सक्सेना, ठीक है, जेम्स ले, जेम्स का। दिस इज फ्रॉम ऋषभ, ओरियो के लिए है शायद, ओरियो के कपड़े रेड कलर के। चलो क्या भाई साहब, बहुत लग रहा ना, ओह माय गॉड, स्टार डॉग, स्टार डॉग लिख रखा है, स्टार डॉग, हाँ ये स्टार डॉग है हमारा, ओरियो इसको भी डालेंगे, ठीक है। पाउच है, पाउच है, पेंसिल रखने वाला, काफी क्यूट है, एंग्री बर्ड, हाँ ये देखो चैन है इसमें, एक और बॉल है, फोर ओरियो, पीयूष, फॉर पीयूष, फॉर पीयूष, सबसे पहले पीयूष के लिए, वाह दोबारा पीयूष के लिए, डाल के दिखा, गजनीकांत, ये कहाँ भाग रहा है पागल, अबे पूरी वीडियो में इसे डाल के रखूंगा। तो ये आईफोन के लिए एक कवर है मेरे लिए, गाना? काफी प्यारा कवर है ये, दिखाओ सही, और ये शायद साइदा के लिए है, नोट 9 प्रो, ये तेरे लिए ले, काफी अच्छी क्वालिटी का कवर है। दिस इज फ्रॉम वंश, ये आई थिंक बाथ टब है ओरियो के नहाने के लिए, ये देखो इसके बाहर है ना, ओरियो के लिए स्विमिंग पूल, और कुछ गिरा ही नहीं, इसको मतलब ना इसके अंदर, इसको फुला, इसके अंदर शायद इसको फुलाना पड़ता है पहले, ठीक है, इसको फुला के फिर इसके अंदर पानी डाल दो, फिर ओरियो नहा लेगा इसमें। सो गाइस ये सारे गिफ्ट हमने अनबॉक्स कर लिए हैं, तो यहाँ पे देखो पूरा सामान फैल चुका है, अब सबसे बड़ा टास्क ये है कि इनको उठाना है अच्छे से, सारे लेटर अलग करने हैं, गिफ्ट अलग करने हैं, आर्ट वर्क अलग करने हैं, एंड इसके हालात देखो, अरे मैं गजनीकांत, एंड ये रहा साहिल का, काफी प्यारा लग रहा है, ब्लैक, थैंक यू सो मच फॉर दिस, मेरे वाला देखो गाइस कितना मस्त लग रहा है, एंड ये देखो मेरे को दे, बोल दे, और ये बोल दे, बोल दे, और ये बोल दे, पहली बार तो डाल रहा हूँ मैं, रुक भी नहीं रहा हूँ, गुड बॉय गुड बॉय, निकाल 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 दे निकाल दे निकाल दे, तुम जीवन में बहुत आगे जाओगे, मुंह में पकड़ लिया, छोड़ इसको छोड़ इसको, मुंह में मत दबा, गंदी बच्ची, गंदू बच्चूली, लड़कूली, रुक जा एक मिनट रुक जा, हाथ ही नहीं डलवा रहा हूँ, ये लड़की हमारी रेडी हो चुकी है, हमारी लड़की, और यो मत काटना मत इसको, ये लग रही ना लड़की, अब लग रही है ना लड़की, स्टार्ट हो गया आजकल, डाल दिया मैंने इसको, क्यूट लग रहा है ना, चाय ले आए, चलो थैंक यू, खतरनाक ही लग रहा है अम्मी, ग्लास में पूरा दिन डाले रखूंगा। तो फाइनली गाइज हमारा ड्रेसिंग टेबल आने वाला है, जिसमें देख के हम ड्रेसिंग करेंगे, सजेंगे सवरेंगे, और अपने बाल भी बनाएंगे जो कि कभी भी नहीं बनाते हैं, और क्या करेंगे बाबा जी, हाँ उसमें मिरर भी है, तो हम देखेंगे मिरर में, मेरे स्टूडियो में अभी तक कोई भी मिरर नहीं है, मेरे को मिरर में देखना पसंद है, मैं मिरर देखता ही नहीं हूँ, बट अब से देखना शुरू करेंगे जब से ड्रेसिंग टेबल आएगा, और मैंने हेलमेट भी पहन लिया है शूट करने के लिए। अब मैं आईफोन का शो ऑफ कर सकता हूँ इस तरह से, देखो वीडियो बनाते हुए, तो गाइज ये वो ताकि आपका ध्यान नीचे जाए कि मैं आईफोन से वीडियो बना रहा हूँ, काफी लोग इस तरह से करते हैं ना। तो अभी है डिनर टाइम, और डिनर में आज मेरे पास बहुत स्पेशल चीज है, जो कि है बाजरे की रोटी, स्पेशल है बाजरे की रोटी, और साथ में ये आलू की सब्जी,
तो चलो खाते हैं और फिर सब पूरी फैमिली ऊपर जाएंगे और फिर सरप्राइज। बाय द वे वहां पे चल रहा है सीआईडी। मैंने ना कैमरा ऐसे किया और इसने अपने आप ही म्यूट कर दिया। यूजुअली को कहना पड़ता था कि म्यूट कर दे म्यूट कर दे, इसने अपने आप ही कर दिया। मतलब इसको पता है कि मैं वीडियो बना रहा हूं। चलो गुड बॉय, तरक्की पे है। इतना ही हुआ। तू क्या कर रहा है ये देखना। तो सभी का डिनर हो चुका है, सभी यहाँ पर पधार चुके हैं, विद्यमान हो चुके हैं। फाइनली गुड न्यूज है, हमारा गोल्डन प्ले बटन आ चुका है। क्यों चुप जा यार, बड़े पीछे से क्यों बोलते हो? हाँ सही कह रहे, गोल्डन प्ले बटन अप्लाई कर दिया भाजी। गोल्डन प्ले बटन अप्लाई कर दिया मैंने, नहीं कल रात को मैंने यूट्यूब से बात की थी, एक दो घंटे तक बात की यूट्यूब से एम्प्लॉय से। फिर सुबह सुबह मेल आया उसका रिडीम कोड, फिर कर दिया अप्लाई, हो गया। सुबह सुबह सर्दा कर रहे थे, मैंने देखा था ये, इसने देख लिया था सुबह। आएगा, हाँ आ गया, आएगा अब। उसका नाम चेंज कर, दो आएंगे, 10-15 दिन में आ जाएंगे। और ये भी उठ चुका है, हमारी बातें सुन रहा है फिलहाल। अब ठंड का मौसम आ गया, देख नहीं फेंक रहा बिस्तर को, मैंने ओढ़ा देख ले, अपने आप घुस गया। बहुत समझदार है, बहुत समझदार है। मैं आपके घुसा, मैंने कराया। सुन सबसे बड़ी चीज, तेरे से भी समझदार है वो तो है ही, कोई चीज को नहीं छूता, कोई तार नहीं उठाता, कुछ भी नहीं उठाता, आप भी समझदार है, डांटता नहीं रहता पूरे दिन। तो फाइनली गोल्डन प्ले बटन आ रहा है और सबका रिएक्शन कुछ भी खास नहीं था। क्यों था भाई, क्यों नहीं था, मेरे को इतनी रिएक्शन नहीं था, ये वाला मीम लगना चाहिए, इतनी खुशी मुझे। तो ये 12 बज चुके गाइस और एडिटिंग अब जाके मेरी कंप्लीट हुई है। एनीवेज व्लॉग पसंद आया होगा, आया तो लाइक करके जाना एंड चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। एंड दिल से सबको थैंक यू सो मच, मिलते जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। यार तुम चश्मा क्या पहन लिया, बस हो गया, कर देगा अभी काम। यार मम्मी यार, अरे साइल लगी होगी यार, तुम एक बार ही मेरा बाहर ही है।